Very good morning, students, and welcome to e-Classes of Economics. Today, in lecture number 35, we are going to cover the last topics of chapter number 7, poverty from your book Indian Economic Development. This lecture will cover topic poverty elevation programs launched by the government to control poverty in the country, and poverty elevation programs are critical assessment. मीन्स जो प्रोग्राम लॉन्च हुए थे उनका क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट था सो स्टार्टिंग विद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बेसिकली गवर्नमेंट लॉन्च और गवर्नमेंट एडॉप्टिड दी मेजर्स टू कंट्रोल पॉवर्टी एंड एज वेल एज टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्राम कंट्री फॉर दिस सेक द गवर्नमेंट स्टार्टेड विद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया जिनकी हेल्प से हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं हम पॉवर्टी को चेक कर सकते हैं और उसको रिमूव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं सो व्हाट वर दीज पॉलिसीज़ नंबर फर्स्ट वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्राम मीज़ विलेज स्वरोजगार मतलब सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट एंड योजना मतलब पॉलिसी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से

लगभग लगभग पूरी कंट्री में एन आर एल एम लॉन्च हो चुका है एंड नाउ दिस प्रोग्राम इज रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदयाय योजना थर्ड इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मीन्स फुल विलेज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी व्हाट सोएर आर इन दिलेज दे ऑल विल गेट द फुल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली दिस योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर टू थाउजेंड वन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू दरप्लस वर्कर्स जितने भी सरप्लस वर्कर्स हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना फोकस ऑन दी डिवेलपमेंट ऑफ रीजनल एक एंड सोशल कंडीशन देश की रीजनल एक और सोशल कंडीशंस पर फोकस करना कि उनका डिवेलपमेंट हो एज़ वेल एज टू फोकस ऑन डिवेलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट के लिए भी फोकस किया गया नेक्स्ट बॉस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्राम उदय दो वर्ड से मिलकर बना है ग्राम प्लस उदय मीन्स द शाइनिंग ऑफ द विलेजेस ये योजना पी जी वाई वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड वन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना वॉज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल गाँव के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना किस हेल्प से इन द एरियाज ऑफ हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन ड्रिंकिंग वाटर हाउसिंग एंड रोड्स नेक्स्ट इज जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना दिस योजना वॉज स्टार्टेड टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स ऑफ द कंट्री जो देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट थे उन डिस्ट्रिक्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना इसकी जिम्मेदारी थी देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाउ दिस योजना दिस पॉलिसी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वॉज फॉर द पीपल ऑफ अर्बन एरियाज This policy was launched on December 1, 1997, and objective of this policy was self employment or wage employment to urban unemployed or un underemployed persons. Next is your Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY). Basically, what is this Yojana? Under this policy, the loan of rupees one lakh. Is given to those people who are willing to open their own enterprises and loan of rupees 2 lakh for other activities. Basically, this yojana was started to have the self employment of persons so that unemployment can be removed. Eight poverty elevation program was development of small and cottage industries. Basically, this was set up to remove poverty and unemployment by the spread of cottage and स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नाइन्थ इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो भी मिनिमम नीड प्रोग्राम हैं जो फिफ्थ प्लान के ड्यूरिंग जो मिनिमम नीड्स लॉन्च हुई थी दैट इज़ योर प्राइमरी एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन रूरल हेल्थ रूरल वाटर सप्लाई रूरल रोड्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग इकोलॉजिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स ये सारे पॉइंट्स को कंसिडरेट किया गया और इन सब पे वर्कआउट किया गया तो टोटल 12 पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जिसमें से कि नौ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू टेंथ इज 20 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली 20 पॉइंट प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था कंट्री में दैट वाज लॉन्च्ड ऑन फोर्टीन जनवरी 1982, 1982 14 जनवरी को 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और इसका मेन मोटिव क्या था जो सबका था टू इरेडक्ट पॉवर्टी पावर्टी को रिमूव करना अब इस प्रोग्राम में ट्वेंटी पॉइंट्स इंक्लूड थे जैसे इरिगेशन कैपेसिटी को बढ़ाना पलसेज और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फिक्सेशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चर वर्कर्स रिहाबिलेशन ऑफ बाउंड लेबर्स एक्सपेंशन ऑफ स्कड्यूल कास्ट एंड स्कड्यूल ट्राइब प्रोग्राम्स ड्रिंकिंग वाटर इन वेलेज प्रोविजन ऑफ हाउस इन रूरल एरियाज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन मीन जितने भी बेसिक इश्यूज़ थे प्राइमरी लेवल के इन रूरल एरियाज़ उन सारे इश्यूज़ को फोर मोस्ट प्रायोरिटी देते हुए उन ट्वेंटी इश्यूज़ को उठाया गया और उसके लिए योजना बनाई गई दैट दीज़ ट्वेंटी पॉइंट शुड बी कवर्ड विद ईच एंड एवरी विलेज 11th is mahatma gandhi national rural employment guarantee act. Manrega. under this, the one who is willing to work under skilled or unskilled manual work, they are getting employment for minimum period of 100 days. and 12th is your micro units development refinance agency bank, that is mudra bank. this was set up in april 2015, and main objective of this bank, वॉज टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ़ माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंस जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंस हैं या माइक्रो इंटरप्राइजेज़ हैं उन सबको उधार की ज़रूरत ना पड़े इसलिए इन इन बैंकस का लॉन्च किया गया तो आपने बेटा बारह पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पड़े कि बारह प्रोग्राम्स जिनकी हेल्प से पावर्टी को रिमूव किया जा सके और अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन एटी टू ऑनवर्ड से अब तक ये प्रोग्राम्स चले कोई किसी साल लॉन्च हुआ कोई किसी साल लॉन्च हुआ आज 2020 में आकर लगभग 12 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उसके बाद भी पॉवर्टी नहीं जा रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग लैकनेस में हैं सो नाउ वी विल हैव अ क्रिटिकल अससमेंट कि क्या कमी रह गई क्या प्रॉब्लम्स हैं सी आफ्टर दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम परफॉर्मेंसेस कुछ नोटिसबल चेंजेस तो आए हैं जैसे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 46 सिक्स इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री टू ट्वेंटी इन टू थाउजेंड एलेवन पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी वो लगभग आधी रह गई पहले 46 थी अब 21 परसेंट और वेज रेट भी बढ़ा है लेकिन इसके अलावा पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बहुत सारे काजेज़ हैं जिनकी वजह से वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाया जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था एंड वॉट वर दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनफिशेंट उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है जो प्रोग्राम्स के इंचार्ज़स हैं वो एजुकेटेड रिच no और रिसोर्सफुल परसन्स को सपोर्ट करते हैं देर इज़ नो सपोर्ट फॉर पुअर पीपल रिमोट एरिया और पुअर हाउस होल्ड जो हैं वो विलेज़ में अभी भी नेगलेक्ट हो जाते हैं जो इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कैसी क्रेडिट uh, की मार्केटिंग की वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है जिससे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल सकें पुअर की डेफिनीशन ही बहुत से लोगों को नहीं पता है बहुत सी जगह ऐसा होता है कि नॉन पुअर भी पुअर वाली एडवांटेज को ले लेते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्ट नहीं ले पाते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नॉट लिंक विद ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज़ हैं वो डेवलपमेंट स्ट्रैटजीज से लिंक नहीं करती हैं इसकी वजह से जो रूट कॉज है पॉवर्टी का वो अभी भी खत्म नहीं हो पा रहा है और जब तक इन सारे क्रिटिकल असमेंट पे ध्यान नहीं जाएगा तब तक हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की हेल्प से भी कुछ नहीं कर सकते हैं पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तभी फ्रूटफुल हैं जब इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा And once this problem will be removed, then the problem of poverty and unemployment will also be removed. That's all from this chapter. Thank you. Thank you very much.